हेलो सब्सक्राइबर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि हम MBBS एब्रॉड से किस तरीके से कर सकते हैं। आज एक बड़ी समस्या है कि जनरल कास्ट के लोग नीट के अंदर जब तक 722 में 600 नंबर 600 या उससे ऊपर नंबर नहीं लाएंगे, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो जिन बच्चों को MBBS करना ही है और जिनका सपना अभी MBBS करने का ही है और इसके अलावा वो कुछ भी कोई और कोर्स नहीं करना चाहते, तो उनका सपना पूरा हो सकता है अगर वो MBBS रशिया से करें। मैं रशिया का फेवर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रशिया इंडिया से एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उसके साथ साथ वहाँ की इकोनॉमी भारत से स्ट्रॉन्ग भी है। अगर हम ये देखें कि रशिया में भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत हमारा देश बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम एरिया वाइज देखें तो रशिया की जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, विश्व के अंदर एक महान ताकतों में या ताकतवर देशों में रशिया का नाम आता है। और हमारे संबंध, भारत के संबंध रशिया से बहुत पहले से ही अच्छे बने हुए हैं। तो रशिया से MBBS करने के लिए सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि वहाँ पर भी MCI रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज हैं, जहाँ पर इंडिया की MCI के हिसाब से नीट निकालना जरूरी है। तो ऐसे बच्चे जो नीट क्वालिफाइंग हो तो गए हैं लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो नहीं सिलेक्शन ले पाए, तो उनके लिए ऑप्शन है, क्योंकि भारत के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन प्राइवेट कॉलेजेस में फीस 18 से 20 लाख रुपए पर ईयर ली जा रही है। और 20 लाख रुपए पर ईयर का मतलब आप समझें कि करीब करीब 1 करोड़ रुपए में MBBS हो पा रहा है। तो भारत से MBBS 1 करोड़ रुपए में होगा और अगर हम रशिया से MBBS करें, मैं बहुत सारे बच्चों को रशिया पहले भी भेज चुका हूं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं रशिया से MBBS कर भी रहे हैं, तो मुझे आज इस बात की खुशी है कि MBBS में एडमिशन अगर हमें इंडिया में नहीं होता तो अपने सपनों को हम पूरा रशिया से कर सकते हैं, जहाँ MBBS टोटल 30 लाख रुपए में हो जाता है। 30 लाख का मतलब 6 लाख पर ईयर। तो पहले साल में तो MBBS में एडमिशन लेने पर थोड़ी सी फीस ज़्यादा जाती है क्योंकि असिस्टेंस, एडमिशन गाइडेंस और असिस्टेंस में खर्चा आता है। इसके बाद औसतन 5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से वहाँ पर हॉस्टल का खर्चा, यूनिवर्सिटी की फीस, सब कुछ उसमें इंक्लूड होती है, यानी बोर्डिंग और लॉजिंग। इस वीडियो में मैं जो मेरे स्टूडेंट्स MBBS रशिया से कर रहे हैं, उन्होंने मुझे रशिया के वीडियोस मेरे पास भेजे हैं। पहला डाउट ये होता है कि हम जब रशियन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई या मीडियम क्या होगा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ मीडियम टोटल इंग्लिश में होता है। वो वीडियोस मेरे पास हैं, मैं आपको वीडियोस में इसमें दिखाऊँगा कि वहाँ लेक्चर डिलीवरी टोटल इंग्लिश में चलती। दूसरा डाउट मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूँगा कि वहाँ ये बात सच है कि जब आप एब्रॉड से MBBS करते हैं, किसी भी कंट्री से आप करें, तो यहाँ MCI स्क्रीनिंग टेस्ट निकालना होता है। तो MCI स्क्रीनिंग टेस्ट कोई भारी नहीं है, वो केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसमें ऑल इंडिया मेरिट नहीं बनती है, वो साल में 2 बार या हर साल होता ही रहता है। तो उसके लिए तैयारी करी जाती है और MBBS के एंटायर सिलेबस में से कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। वहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, जैसे नीट के अंदर रिजर्वेशन होता है कि जनरल कैंडिडेट है तो उसकी मेरिट हाई जा रही है, OBC और SC वाला कोई झगड़ा MCI स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं है, इट इज़ ओनली ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो अगर हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं तो MCI स्क्रीनिंग टेस्ट कोई भारी नहीं है, वो इंडिया में बहुत आराम से स्क्रीनिंग टेस्ट निकल जाता है। और उसके बाद वो व्यक्ति जिसने MCI स्क्रीनिंग टेस्ट निकाल लिया
उसका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर वो व्यक्ति इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या अपना क्लिनिक खोलकर अपने हॉस्पिटल को रन कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली में MCI भवन के पास फॉरेन कंट्रीज से जितने भी फिलीपींस, चाइना, जॉर्जिया, आर्मेनिया या अदर कंट्रीज से जो बच्चे MBBS करते हैं उन्हें MCI स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कराई जाती है। वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं और वो बच्चों को उन सभी कैंडिडेट्स को जो MBBS फॉरेन से करते हैं 3 महीने का स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कराते हैं। उसमें उनके टीचर्स को पिछले 10 सालों का MCI स्क्रीनिंग टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको उनका एक्सपीरियंस होता है, उनके नोट्स बनवा दिए जाते हैं और वो स्क्रीनिंग टेस्ट निकल जाता है। एक बार अगर हमने स्क्रीनिंग टेस्ट निकाल लिया तो आप समझें इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से करने पर 1 करोड़ रुपये में MBBS हुआ, और हर आदमी की वो कैपेसिटी नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपए जो है अरेंज कर सके। लेकिन 5 लाख या 6 लाख अगर हम कहें तो कोई भी व्यक्ति अपने सपने पूरे कर सकता है। तो इंडिया से करने में 1 करोड़ और फॉरेन कंट्रीज से करने में 30 लाख, यानी अगर हम लौट घूम के भी देखें तो 70 लाख रुपए का फायदा है MBBS रशिया से करने में। सपने आप लोगों के हैं, समय निकल जाने के बाद वो चीज हासिल नहीं होती। अगर हमारे दिमाग में ये है कि हम फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर लेंगे, हम लॉ कर लेंगे, हम MBA कर लेंगे, तो हम कभी भी MBBS नहीं कर सकते। MBBS वो ही करता है जिसके दिमाग में ये होती है कि बाय हुक एंड क्रुक आई हैव टू डू MBBS। इंडिया नहीं है तो एब्रॉड अपने सपनों को पूरा करें, और इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट निकालना कोई भारी बात नहीं है क्योंकि उसमें रिजर्वेशन नहीं है, उसमें केवल क्वालिफाइंग होता है, और क्वालिफाइंग करने के बाद हम आराम से MDMS की तैयारी भी वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब जो बात है वो ये कि यहाँ से वहाँ एडमिशन लेने के लिए MCI ने जो नियम बनाया है केवल उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा जो लोग नीट क्वालिफाइड होंगे। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इंडिया से कहीं बड़ा रशिया है जहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं। अगर कोई व्यक्ति रशिया में ही किसी हॉस्पिटल में प्लेस्ड हो जाता है तो उसे इंडिया आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कौन नहीं चाहता कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर सेटल हो। ये तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि 5-6 साल हम रशिया में कहीं पर रहते हैं, वहाँ की डिग्री लेते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ उस देश को जानते हैं, और हमें रहने का मौका मिलता है पढ़ाई के बहाने, और उसके साथ साथ हमें एक जॉब अपॉर्चुनिटीज के भी चांस मिलते हैं। तो मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा, अगर आपने सपना देखा है MBBS करने का तो भारत के सिस्टम को छोड़ते हुए कि अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है और नीट क्वालिफाइंग आप नहीं हो पा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो डिसीजन आपका है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 2-3 साल आकाश कोचिंग में और कोटा में पढ़े रहते हैं, तैयारी करते हैं, 3 साल लगातार तैयारी करने के बाद भी उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता। लौट घूम कर वही कि प्राइवेट कॉलेज में जाना है, और प्राइवेट कॉलेज में आप लोग जानते ही हैं 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, इससे कम है नहीं। तो उनके पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं, बोले हम इतना खर्च नहीं कर पाएंगे, समय निकलता रहता है, इतने 3 सालों में तो आधा MBBS हो जाता है। तो मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि हमें MBBS ही करना है तो आप जो है मुझसे संपर्क करें। मेरे वो स्टूडेंट अभी आए हुए हैं और मैं उनके साथ आप लोगों को MBBS करने के लिए भेज दूंगा, लेकिन कंडीशन नीट क्वालिफाइंग होना जरूरी है। मैं इस वीडियो के अंदर रशिया के यूनिवर्सिटी के कुछ फोटोज पिक्स हैं मेरे पास, क्लास लेक्चर के पिक्स हैं, कुछ वीडियोज हैं, और वहां पर जो स्नोफॉल होती है उस स्नोफॉल के उस ठंड के भी कुछ वीडियो हैं। वहां ठंड जरूर पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन लोग तो वहां पर रहते हैं, तो कुछ हमें पाने के लिए कुछ टिपिकल कंडीशन में रहना होता है। वहाँ भारत जैसी ठंड नहीं होती, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। उन सब वीडियोस को मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, इसे देखें, और अगर आपका मन है MBBS करने का तो आप मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं। वो सभी स्टूडेंट मेरे सेप्टेम्बर में जाएंगे, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको लोगों को उनसे मिलवा दूंगा और आप अपने सपनों को
पूरा कर सकते हैं। तो समय निकल जाने के बाद कोई चीज हासिल नहीं होती। व्यक्ति वही कामयाब होता है जो सही समय पे सही कदम उठाता है। ओके, नाइस मीटिंग विद यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव सीन माय वीडियो। और अगर आप सही मायने में मुझसे कुछ इंस्पायर होते हैं तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं इसी महीने में मैं आप लोगों को रशिया भेज दूंगा। В прошлом году много приехало народу, не было места. А теперь мы маленькие.